ये मेरी मशीन है, अब मैं जा रही हूँ इसमें पानी भरने। ये पानी भर रहा है और पानी भर जाएगा, जब इतना इतना पानी भर जाएगा बस हम इसमें सर्फ डाल देंगे और कपड़े को डाल देंगे। हम जा रहे हैं कपड़े धुलने। बहुत ही इजी है, बहुत ही जिनको नहीं पता है कि वॉशिंग मशीन कैसे यूज़ की जाती है, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाई हूँ। बहुत ही हेल्पफुल है और कुछ ट्रिक के साथ में बहुत ही जल्दी जल्दी कपड़े धुल जाते हैं। अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें हमारा पानी इतना हो गया है, अब इसमें मैं इतना सर्फ डाल दूँगी, ये 3 चम्मच है। ये मेरा पानी हो गया है, ये देखिए मैंने सर्फ को डाल दिया है, मेरा पानी हो गया है, मुझे जितना चाहिए। जो कम गंदे कपड़े हैं वो मैंने डाल दिया है इसमें और ये भी फटाक से धुल जाएंगे। फिर ये मैं हैवी वाले कपड़े डालूँगी, ये सारे हैवी हैं और ये नॉर्मल हैं, तो मैं इनको धुल लेती हूँ, उसके बाद मैं हैवी वाले कपड़े धुलती हूँ। ये हमारे कपड़े धुल चुके हैं, अब इनको हम धुलेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करके आपको दिखाती हूँ। अब इसमें मैं हैवी कपड़े डाल दूँगी, ये वाले सारे, ये मेरे धुल गए हैं और ये वाले मैं कपड़े डालने जा रही हूँ। अब ये मेरे हैवी वाले कपड़े धुले जा रहे हैं, ये देखिए कितनी अच्छे से, कितनी तेज़ मशीन चल रही है देखिए। और ये मैंने हैवी कपड़े हैं तो इसलिए हैवी पे कर दिया है, ठीक है। और मैंने इसको टाइम वॉश पे मैंने 15 पे स्टार्ट किया है, जब ये 0 पे आएगा तो मैं इसको बंद कर दूँगी और ये अपने आप बेल बजेगी, देख सकते हैं। ये देखिए मेरे कपड़े वॉश हो गए, ये देखिए धुल गए हैं। अब इसका पानी देखिए फ्रेंड्स कितना काला, बाप रे बाप, कितने कपड़े गंदे थे, देखा बहुत सारे गंदे थे कपड़े। और अब मैं इनको साफ पानी से धुलूँगी। मैंने कपड़े को धुल लिया है और मैं इसमें डाल दूँगी, अब मैं इसको सुखाऊंगी। मैंने गैस को बंद और ये ढक्कन और ये जो है इसको मैं स्पिन टाइमर मतलब सुखा लूँगी इसको। ये देखिए मैंने चालू कर दिया, ये 2 मिनट में कपड़े मेरे सूख जाएंगे। ये देखिए मैंने इतना पानी भर लिया है, अभी मैं ये 2 पानी से धुल चुकी हूँ, इसको 1 पानी से और धुलूँगी और उसके बाद मैं इसमें धुलने के बाद मैं इसमें सुखा लूँगी। अभी देखना ये मेरी घंटी 2 पे आ गई है, अभी ये जब 0 पे आ जाएगा तो करेगा टी टी सी आवाज़ करेगा और मेरे कपड़े सारे सूख जाएंगे। और सारे कपड़े सुखाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और दोस्तों मशीन का फ़ायदा यह है कि इसमें 90% कपड़े सूख जाते हैं और 10% हमको धूप में सुखाना रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है मशीन। हाथों से काफ़ी मतलब मशीन आरामदायक है, अगर आप जल्दबाजी में हैं तो आप मशीन से धुल सकते हैं और इसमें एक साथ में कई सारे कपड़े धुल भी जाते हैं, सूख भी जाते हैं। सबसे आराम तो ये है कि जो कपड़े सूख जाते हैं, गर्मियों में ना सही लेकिन ठंडियों के लिए बहुत अच्छी है मशीन। ये देखिए अभी बस नहीं करने वाला है, देखिए बिल्कुल टिक, देखा टिक से किया इसने। और इसमें मैं देख लेती हूँ, इसको मैंने ओपन किया, इसको मैंने ओपन किया, ये देखिए फ्रेंड्स कपड़े सूख गए हैं, कपड़े सूख गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सारा कपड़ा था, मैंने सब कपड़ा दिया है फैला और अब इसमें लग जाएगी धूप, आधे घंटे 1 घंटे बाद मैं उतार लूँगी। ये देखिए मेरे मशीन से सारे कपड़े एक ही साथ में सब धुल गए, देखिए कितने सारे कपड़े थे। हाथ से तो इतना आसानी नहीं से धुल पाते ना, बहुत परेशान हो जाते। सारे कपड़े मैंने डाल दिया धूप में, मैं जाती हूँ नीचे। ये देखिए फ्रेंड्स चले नीचे और हमारे सारे कपड़े धुल गए हैं। मशीन को मैंने साइड में लगा दिया, मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं। अब फ्रेंड्स मैं नहा लूँ, मिलती हूँ अभी नहाने के बाद।
फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।